नियंत्रण रेखा पर रहस्य में परिस्थितियों में चली गोली, सिपाही की मृत्यु। पूंछ जिले की मैंडर तहसील के कृष्णा घाटी सेक्टर के बलनोई इलाके में नियंत्रण रेखा पर रहस्य में परिस्थितियों में गोली चलने से भारतीय सेना की 8 गढ़वाल बटालियन के एक जवान की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह सेना के एक जवान की मृत्यु उस समय होगी जब वह कृष्णा घाटी सेक्टर के बलनोई इलाके में नियंत्रण रेखा पर ड्यूटी पर तैनात था। अचानक रहस्य में परिस्थितियों में गोली की चलने की आवाज़ आई। गोली की आवाज़ आते ही सेना के अन्य जवान सतर्क हो गए और गोली चलने वाले स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने सिपाही अनिल चौहान निवासी उत्तराखंड को खून से लथपथ हालत में पाया और तत्काल सैन्य शिविर में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। उसके बाद जहां पुलिस को सूचित किया गया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला अस्पताल मैंडर ले जाया गया। अनिल सिंह चौहान जो इंडियन फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात थे, वहाँ उनको एक्सीडेंटल इंजरी होने से उनकी मौके पे ही मौत हो गई और वो आज करीब 4:30 बजे हमारे पास आए पोस्टमार्टम के लिए। जो पीपी इंचार्ज पीपी मनकोट ने उनको यहाँ लाया, उसके बाद हमने उनका 4:35 पे पोस्टमार्टम शुरू किया और 5:15 पे पोस्टमार्टम उनका खत्म करके पुलिस को डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी फॉर फर्दर राइट्स के लिए। ये जो जवान था ये गढ़वाल का रहने वाला, उत्तराखंड गढ़वाल का रहने वाला था।